कल हो ना हो को करण जौहर ने करीना कपूर को ध्यान में रख के लिखा था। करीना ने पहले करण के साथ कभी खुशी कभी गम में काम भी किया था। मैंने जब पिक्चर कहानी लिखी तो इट वाज विद करीना इन माइंड। करीना के साथ एक्चुअली प्रीति आई हैड नॉट नोन पर्सनली एट ऑल। करीना हैड वर्कड विद मी, शी ए चाइल्डहुड फ्रेंड एंड ऑल्सो मैंने उन्होंने कभी खुशी कभी गम में मेरे साथ काम किया था, तो इट वॉज अ नेचुरल चॉइस कि जिसके साथ काम किया तो यू बिल्ड अप रिलेशनशिप एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू करीना। आई एम इवन नाउ, जस्ट देन एनी वे दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू करीना एंड सो आई थॉट कि ऑब्वियसली शी शुड, आई ऑफर्ड इट टू वन, शी सेड यस रेडिली, शी सेड शी अग्रीड रेडिली। उसके बाद एक आई मीन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पास्ट, देयर वाज अ मॉनेटरी डिसएग्रीमेंट बेसिकली, यू नो ओवर द रेम्यूनरेशन हमारी थोड़ी डिसएग्रीमेंट हुई थी ओवर द प्राइस एंड हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि फिर इस पिक्चर पे काम नहीं करते, तो इट डिडंट वर्क आउट। तो ऑफ कोर्स देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट एक एंड यू नो फ्रेंडशिप डिड सफर अ लिटिल बिट, बट आई एम ग्लैड टू टेल यू के सब कुछ ठीक है अभी एंड वी पैच्ड अप, वी हग्ड एंड मेड अप। कल होना हो के मशहूर कैमरामैन अनिल मेहता ने हम दिल दे चुके सनम, लगान और वीर जारा जैसी बड़ी फिल्में शूट की हैं। मजेदार बात यह है कल होना हो के दूसरे हीरो के रोल के लिए करण जौहर के जहन में सिर्फ सैफ अली खान ही थे। मजे की बात यह है कि सैफ को करण ने कुछ कुछ होता है में सलमान खान का रोल भी ऑफर किया था जो किसी वजह से कर नहीं पाए। जो मैंने कहानी लिखी तो रोहित पटेल का जो किरदार था रोहित पटेल का, तो मैंने सोचा नोबडी बट हिम कैन डू दिस रोल ऑफ दिस स्लाइटली सेमी एफ्लुएंट सेमी बम्बलिंग सेमी क्यूट सेमी लाइक ग्रेट गाय यू नो विद हार्ट ऑफ गोल्ड बट लाइक यू नो विद ट्राइंग टू बी कूलर देन ही इज, ऑल दीज क्वालिटीज द काइंड ऑफ कैरेक्टर इट वॉज। आई जस्ट न्यू के सैफ ने ना कह दिया तो देर इज नोबडी हू कैन मैच द सेंसिबिलिटी ऑफ दैट रोल। मैं सैफ के पास गया और सैफ ने कहा लुक यस, I said yes, what? He said I made one mistake of refusing you earlier. It's like a full circle really with Sir. Kuch kuch hota hai, mein usne na kaha tha mujhse. So he said I made one mistake. I'm not making it again. So whatever the role is, whatever the film is, yes. Legendary gayak Roy Orbison ka hit gana Pretty Woman duniya bhar mein mashhoor hai. Julia Roberts ki film Pretty Woman ke soundtrack mein bhi ise istemal kiya gaya hai. कल हो ना हो के लिए निर्माताओं ने ओरिजिनल गाने के राइट्स खरीद लिए और फिर शंकर एहसान और लॉय ने इस गाने को इस्तेमाल किया लेकिन अपने अलग अंदाज। करण जौहर को फिल्मों की दुनिया में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को। मेरी दोस्ती हुई आदित्य चोपड़ा के साथ, दो बचपन से मैं जानता था हमेशा, वो फिल्मी बर्थडे पार्टीज में ही वाज वन ऑफ देम हु ऑलवेज स्पोक इन हिंदी एंड ओनली स्पोक अबाउट फिल्म्स, आई यूज्ड टू हेट हिम। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत वक्त गुजारा हमने एक दूसरे के साथ, वी यूज्ड टू गो आउट अ लॉट, वी हम एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गए थे। तो ही यूज्ड कीप टेलिंग मी कि तुम्हें फिल्म में ही कुछ करना है, तुम ये व्हाई यू रनिंग अवे फ्रॉम इट, तुम चाहे प्रोड्यूसर बनो या डायरेक्टर बनो, एक्टर तो खैर गॉड डिडंट गिव मी द फेस, तो आई थॉट वन ऑफ द टू डायरेक्टर या प्रोड्यूसर। ऐसे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू गो टू फ्रांस एंड डू दिस कोर्स एंड आई हैड वेरियस अदर प्लान्स। ही सेड यू आर रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी, यू शुड बी इन द मूवीज। ना हो के निर्देशक निखिल अडवाणी ने कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम में करण जौहर को असिस्ट किया था। उन्होंने करण के अच्छे दोस्त आदित्य चोपड़ा को भी मोहब्बतें में असिस्ट किया था। आई हैव कम्प्लीट फेथ इन निखिल। निखिल मेरे साथ बहुत वक्त गुजार चुका है, कुछ कुछ होता है में वो मेरा फर्स्ट एडी था, कभी खुशी कभी गम में फर्स्ट एडी था, फिर ही इज असिस्टेड आदित्य चोपड़ा ऑन मोहब्बतें, तो वो कम्प्लीटली ट्रेन्ड और इक्विप्ड एंड आई वुड से ये फिल्म 2 साल पहले उसे बनाना चाहिए था, ही वाज दैट रेडी। कल हो ना हो में कांता बेन यानी सुलभा आर्या का किरदार काफी पसंद किया गया। फिल्म में कांता बेन को लेके काफी सारे मजाहिया वाक्य दिखाए गए जिनके बारे में काफी चर्चा भी। कल हो ना हो की तुलना ऋषिकेश मुखर्जी के आनंद से की गई। बहुत लोग ने मुझे कहा है कि आनंद है, कुछ लोग ने भी कहा कि सफर है, तो ऐसे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे इस पिक्चर के दौरान इस पिक्चर के सफर में बहुत आनंद था, बट बिसाइड्स दैट इस पिक्चर की कंपैरिजन ना आनंद से की जा सकती है ना सफर से। कल हो ना हो इज इट्स ओन फिल्म। Anand was a classic, I don't think I could ever remake that. Safar is a brilliant film, I don't think I should ever remake that. Kal Ho Na Ho is its own film. Kal Ho Na Ho ke nirmata Yash Johar ne Dharma Productions ki sthapna ki aur Dostana, Gumrah aur Duplicate jaisi filmon ka nirman kiya. Unke bete Karan Johar ne Kuch Kuch Hota Hai aur Kabhi Khushi Kabhi Gam jaisi filmen direct karke banner ke naam ko roshan kiya. Kal Ho Na Ho ki shooting ke dauran Yash Johar bimar rahe और रिलीज के कुछ ही महीनों बाद उनका निधन हो गया। कल हो ना हो 2003 की एक बेहद कामयाब फिल्म थी। उम्मीद है ये फिल्म आपको भी छू गई। मैं जल्दी वापस आऊंगी एक नई फिल्म और एक्स्ट्रा शॉट्स की एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।